धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, आज का कार्यक्रम षट्ठी का कार्यक्रम है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आशीर्वाद समारोह संस्कार जो कुछ भी बोला जाएगा वह बच्चा नहीं जानता जिसके बारे में चर्चा हो रही है, और न कोई बच्चा जानता है जो 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा हो, वह नहीं जानता है कि मेरे संस्कार के बारे में चर्चा चल रही है। जो कुछ भी कहा जाएगा वो वृद्धों के लिए होगा, परिवार के लिए होगा, एक घर के व्यवस्थापकों के लिए होगा, माता पिता के लिए होगा, और उन्हीं के देन, उन्हीं के सीख से बच्चे सीखते हैं। बच्चा क्या होता है? जैसा एक कुम्हार एक गीली मिट्टी को लेता है और गीली मिट्टी से जिस रूप में बनाना चाहे वैसा ही गीली मिट्टी का निर्माण करता है। यदि कुम्हार को उस गीली मिट्टी से घड़ा का निर्माण करना है तो कुम्हार उस गीली मिट्टी को इतना मुलायम करेगा कि वो मिट्टी को जिस रूप में चाहे वो आकार दे देगा। यदि वही मिट्टी से यदि उनको ईंट का निर्माण करना है तो उतना मुलायम नहीं करेगा, क्योंकि उतनी मुलायम की जरूरत नहीं है। कुम्हार जो बनाना चाहे बना सकता है उस मिट्टी से, चाहे कुम्हार उस मिट्टी से घड़ा का निर्माण करे, चाहे कुम्हार उस मिट्टी से चिलम का निर्माण करे, उनके हाथों में है। मिट्टी वही है, आग में जलने के बाद, पकने के बाद कोई औजार बनता है, लेकिन काम अलग अलग करता है। यदि चिलम बनाया गया तो चिलम बनने के बाद में खुद अपने जलती है चिलम, और एक औरों के मुंह को जलाया करती है। और मिट्टी वही है, यदि उसको घड़ा बना दिया गया तो खुद शीतलता महसूस करती है, औरों को भी शीतलता प्रदान करती है। मेरे कहने का मतलब क्या है? जितने आप यहाँ बैठे हैं ना, सब कुम्हार है, सब कुम्हार है। आप क्या बनाना चाहते हैं आपके हाथों में है, आपके हाथों में है। किसी माँ के कोख से बच्चा पैदा हो जाने से कोई माँ नहीं हो जाती है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। किसी माँ के कोख से बच्चा पैदा हो जाने मात्र से कोई माँ नहीं हो जाती है। माँ वो होती है जो बच्चे को अपना दायित्व सिखलाती है। माँ वो होती है जो बच्चे को अपने ही पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। माँ वो होती है जो बच्चे को छल छद्म से दूर रखती है। माँ वो होती है जो बच्चे को कर्मकांड और पाखंड से बचा करके रखती है। माँ वो होती है जो बच्चे को नाना प्रकार के भ्रम, मान्यता, अंधविश्वास, भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र, दिशासुल, इन सारी चीजों से बचा करके अलग जीवन का पाठ पढ़ाती है, वो माँ होती है। माँ वो होती है जो अपने बच्चे को पराए और अपना और पराया नहीं बताती, बल्कि मनुष्य को मनुष्य ही बताती है। माँ वो होती है जो सबके साथ प्रेम का वार्ता करती है, न ही अपना समझती है न दूसरे की समझती है, सब बच्चों से वही प्यार, वही दोस्ती, वही मित्रता, वही
लज्जे सबके लिए एक साथ देती है, वो माँ होती है जिसके जीवन में कपट नहीं, जिसके जीवन में छल नहीं, जिसके जीवन में किसी के लिए राग नहीं, जिसके जीवन में किसी के लिए वैर नहीं, तब कहीं माँ हो पाती है। अब अपने आप से पूछिए, आप लोग कितने लोग माँ हैं? आप इतने एक निचोड़ के बाद, इतने निचोड़ के बाद माँ बनना सहज नहीं है। बच्चे को पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, उनका शिक्षा दीक्षा देना एक अलग शिक्षा है, एक अलग दायित्व है, लेकिन माँ होने के लिए विशाल हृदय चाहिए, बहुत विशाल हृदय चाहिए। माँ का ममता ही कुछ अलग होता है, माँ का दायित्व ही कुछ अलग होता है। कुम्हार जिस तरह से यदि उस मिट्टी से चिलम बनाता है तो औरों को जलाता है, चिलम औरों खुद जलती है, औरों को जलाया करती है, और यदि वही चिलम है, वही मिट्टी है, यदि घड़ा बन गया तो खुद शीतलता प्रदान करती है, औरों को शीतलता मिलती है। यदि माँ को योग्य पुत्र जन्म देता है और योग्य योग्यता के अनुसार से शिक्षा देता है, उनको हर चीज का रूबरू कराता है, रूबरू कराना मतलब हर चीज से परिचय कराना, जीवन का साक्षात करना, हर चीज से रूबरू करा दे माँ कि जीवन की नैया कैसे पार लगाना है, कैसे जीवन हमारा मिला है आज जो प्रसाद में, आज जो हमको सौगात मिला है, इतना सुंदर जीवन मिला है, इतना सुंदर परिवार मिला है, इतना सुंदर समाज मिला है, जीवन में ऐसा एक तरंग तरंगायित कर देना है कि जीवन में तब्दील हो जाए, जीवन एक ऐसी दिशा में तब्दील हो जाए कि उस बच्चे के रग रग में भरा जाए, प्रेम का रग रग में भर जाए, भक्ति प्रेम रग रग में भर जाए, और इस दुनिया के किसी भी कोने पे चला जाए वो बच्चा, वो कह सके मैं एक ऐसे माँ के कोख से जन्म लिया जिन्होंने मुझे जीवन का पाठशाला सिखाया, साथ साथ मुझे अध्यात्म की परिभाषा बताया। कितने माँ है जो अपने बच्चे को अध्यात्म की परिभाषा बताते हैं, कितने माँ है जो अपने बच्चे को अध्यात्म की परिभाषा बताते हैं? सिर्फ हमारा जीवन इतना ही है, कमाए खाए, मकान बनाए, खेत जाए, खलियान जाए, इतना ही जीवन है। बच्चे हो, परिवार हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, धन हो, दौलत हो, इतना ही जीवन है। यदि इतना ही जीवन है तो हम लोग तो सब बेकार चले गए, जो साधु संत की गिनती में आते हैं उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। और हकीकत कहूँ या जो समझिए, जितना सकून से और जितना बादशाह से साधु संत जीते हैं, उतना सकून और बादशाह से इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति नहीं जी सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं जी सकता है। पैसा से बादशाहत नहीं आता है, उनके मन के विचारों से बादशाहत आता है। आपके घर में पूरा ऐश्वर्य संपन्न हो, आपके हर घर में हर कमरे में एसी लगा हो, मन में जलन हो, तो पैसा सुख नहीं देगा, एसी से ठंडकता नहीं मिलेगी, एसी से शरीर की सुविधाएं बढ़ जाएगी, शरीर सुविधा युक्त हो जाएगा, मन के लिए भी कोई ऐसा शीतलता है, ऐसा कोई दवाई है? डॉक्टर के पास जाने के बाद में सारे रोगों का दवाई मिल जाता है, लेकिन ऐसा कोई दवाई हो जो मन की जलन को भी शांत कर दे? ऐसा कोई दवाई नहीं है, संतजन ही आधार है। संत ना होते तो जर मरता संसार, अगर संत ना होते तो संसार की दशा ही अलग होती। इसलिए एक श्रेष्ठ माँ बने, माँ का दायित्व इतना विशाल दायित्व है, उन दायित्व को कभी मत भूले। माँ माँ तब हो जाती है, किसी के घर में बच्चा पैदा होने मात्र से सिर्फ बच्चा बस पैदा नहीं होता है, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा बस पैदा नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ माँ भी पैदा होती है, उसके साथ साथ पिता भी पैदा होता है, उसके साथ साथ चाची चाचा का भी पैदा होता है, जन्म होता है, उनके साथ साथ दादी दादा का जन्म होता है, साथ साथ मामा मामी का जन्म होता है, साथ साथ मौसी मौसा का जन्म होता है, ना जाने कितने रिश्ते जन्म लेते हैं। जब तक वो घर में कोई बच्चा पैदा ना, बच्चा जन्म ना लिया हो, तब तक घर में कोई रिश्ते पैदा नहीं हुए रहते हैं, और जैसे ही घर में बच्चा जन्म लेता है
वैसे ही ना जाने कितने रिश्ते नाते जन्म ले लेते हैं। दायित्व तो क्या बनता है? उन रिश्ते और नाते को निभा पाना, उन रिश्ते और नाते को निभा पाना। चाहे अपना बच्चा हो चाहे पराया का बच्चा हो, यदि प्रेम चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, तो सबसे प्रेम करना सीखे। बस प्रेम एक ऐसा सूत्र है जो घर और परिवार को बांधता है, और जिसको प्रेम के सूत्र में बांधने नहीं आया वो घर परिवार पूरा टूट करके बिखर जाता है। घर टूटने में समय नहीं लगता है, घर टूटने में समय नहीं लगता है। प्रेम एक ऐसा शस्त्र है जो हजार जो बाजारों में और हाटों में नहीं बिकता है। प्रेम यदि कोई चाहता है तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि कोई प्रेम चाहता है शीश दे ले जाए, यदि कोई प्रेम चाहता है तो शीश को अर्पित कर दे, गुरु के चरणों में चढ़ा दे और प्रेम को ले जाए। शीश क्या चीज है? गला को चढ़ा देंगे क्या? शीश का मतलब होता है अहंकार। जितने घर में दरारें पड़ती है ना, वो अहंकार की वजह से होता है। आपस में देरान और जिठान में लड़ाइयां होती है ना, अहंकार की वजह से होता है। प्रेम की कमी होने से होता है। प्रेम कभी सूखने ना पाए। प्रेम जितना ही बना रहेगा उतना ही घर हरियाली से भरपूर रहेगा, घर में स्वर्ग रहेगा। पेड़ में जब तक नमी होती है पेड़ हरा भरा होता है। पेड़ में जब तक नमी होती है, मिट्टी गिलाओं में नमी होती है, तब तक पेड़ हरा भरा दिखाई देता है। जैसे जैसे वहां पर नमीपन सूखता चला जाता है वैसे ही पेड़ सूखता चला जाता है। परिवार में जब तक आपस में प्रेम रूपी नमी रहेगा तब तक परिवार में हरा भरा स्वर्ग का माहौल रहेगा। और जिस दिन प्रेम सूखना शुरू होगा पेड़ की तरह परिवार भी सूख करके मुरझा जाएगा, और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि टूट करके बिखर जाएगा घर, वक्त नहीं लगेगा। प्रेम प्रेम को जितना सींचो उतना बढ़ता चला जाता है। प्रेम कैसे बढ़ता है? प्रेम कैसे सूखता है? प्रेम जब धन को महत्व दिया जाता है तो प्रेम सूखता चला जाता है, जन को महत्व दिया जाता है तो प्रेम बढ़ता चला जाता है। जब किसी किसी की शादी होती है तो शादी होने के बाद में प्रेम इतना निश्चल प्रेम होता है सबके साथ में, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, माँ के साथ, चाचा के साथ, चाची, देवर, जेठ, देवर, सबके साथ में, देरान, जेठान, सास, बहू, आपस में इतना प्रेम से गदगद रहते हैं, उस घर का माहौल ही क्या पूछना है। उस घर में तो लगता है अब स्वर्ग का अवतार हो गया है, कोई राग द्वेष की बातें नहीं। घर में नए बहू आई है, सब तरह से दौड़ दौड़ के काम करती है। घर में जो लोग हैं अपने अपना काम तो कर ही लेते हैं, दूसरे का सहयोग कर लेते हैं, क्योंकि प्रेम को महत्व दिया गया है, धन को महत्व नहीं दिया गया। अब क्या हो रहा है? प्रेम धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। प्रेम धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। अब जिसको जो काम बताया गया है उतना ही काम किया जा रहा है। जिसको जहां तक झाड़ू लगाना बताया है वही लगाएंगे, अपने कमरे के अलावा दूसरे कमरा नहीं देखेंगे। प्रेम घट रहा है, प्रेम घट रहा है। पहले देरान जेठान में वार्ताएं करते करते 9-10-11 रात बज जाता, 10-11-12 रात बज गया, समय का पता नहीं चला। प्रेम अच्छा है तो अब प्रेम घट रहा है। रात्रि में भोजन 7 बजे होता है, 8 बजे घर सूना पड़ जाता है, सब कमरे में चले जाते हैं, प्रेम घट गया है। प्रेम अच्छा था तो आपस में सास बहू में लंबी लंबी वार्ताएं होती थी, एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कान होता था, घर में आए सबका स्वागत, किसी भी की परिवार से, किसी भी की नैहर से, किसी की भी तरफ से आए, अपना ही समझते थे, अपने देरान का हो या जेठान का हो, अपना ही समझते थे, सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाता था, सब पापा जी कह करके प्रेम से उनको खिलाते पिलाते थे। लेकिन प्रेम घटता चला गया। कौन आया है? उनकी मम्मी आई है, उनकी मम्मी आई है। पहले कहते थे यहाँ वाले मम्मी आई है, अब कहते हैं उनकी मम्मी आई है, यहाँ वाले नहीं। घट गया प्रेम। प्रेम अच्छा था तो पहले पहले घर में जब बहू आती थी तो कोई भी बात कहने के बाद में सासू माँ जो भी बात कहते उनको, घर में उनके पति आ जाने के बाद में कहते, अपने पति से कहते, माँ और पापा ऐसे ऐसे कह रहे थे,
छह महीना साल भर बाद प्रेम घट गया। कहते हैं तुम्हारी माँ ये कह रही थी, अब हमारी माँ, हमारी सासु माँ, हमारे ससुर जी नहीं रह गए, तुम्हारी माँ ये कह रही थी। प्रेम घटता चला गया, प्रेम घटता चला जा रहा है। जितना ही प्रेम घटेगा उतना ही बच्चे का दिशा गलत होता चला जाएगा और बच्चे गलत दिशा में चलते चले जाएंगे। धन को महत्व दिया जाएगा, प्रेम घटता चला जाएगा। स्वार्थ को महत्व दिया जाएगा, प्रेम घटता चला जाएगा। और जो प्रेम घटता चला जाएगा तो अपना ही बेटा अपना लगेगा, देरान का और जेठान का बेटा या उनके बच्चे, उनके उनकी बिटिया अपना नहीं लगेगा, दूसरे का लगेगा। और जिस दिन घर में स्थिति आई वह घर टूटने में समय नहीं लगता है। माँ वो होती है जो अपना पुत्र तो अपना ही समझती है, लेकिन साथ साथ अपने देरान का हो या अपने जेठान का हो उससे भी उतना ही प्रेम करती है जितना प्रेम अपने बच्चे से करती है। माँ वो होती है, कितना विशाल हृदय चाहिए। माँ वो होती है जो अपने बच्चे से प्यार करती है उससे कहीं ज्यादा प्यार अपने देरान और जेठान के बच्चे से प्यार करती है। माँ वो होती है और उस माँ के लिए कभी दुख भरी जिंदगी नहीं होती है। ऐसे माँ के लिए कभी दुख भरी जिंदगी नहीं होती है। वो माँ के बच्चे यदि उनसे प्यार नहीं करते हैं तो उनके देरान और जेठान के बच्चे उनसे ज्यादा प्यार करेंगे। जितने बच्चे जितने अपने माँ से प्यार नहीं करते उससे कहीं ज्यादा उनके देरान और जेठान के बच्चे उस माँ से प्यार करती है जो माँ सब बच्चों से प्यार करती है। कितना विशाल हृदय चाहिए माँ बनने के लिए, तब कहीं माँ हो पाते हैं, तब कहीं माँ हो पाते हैं। एक घर में एक भाई, आपस में कई बार सुनेंगे उन चर्चाओं को, आपस में एक साथ रहते थे दो भाई, आपस में एक साथ कोई हिसाब किताब नहीं, घर में एकदम अमन चैन की जिंदगी। एक दिन भाई एक घर से एक बाजार से मार्केट से गन्ना लाया। गन्ना लाने के बाद में दो टुकड़े किया और अपने दोनों बच्चों को बुलाया, अपने बच्चे को और अपने पुत्र के बच्चे को बुलाया। बुलाने के बाद में गन्ना दिया तो अपना एक जो गन्ने की जड़ की सतह है उधर के गन्ने को दायां हाथ में पकड़ा था, ऊपर के हिस्सा को बायां हाथ में पकड़ा था। जब उनका भाई का लड़का आया तो गन्ना दे रहा था दायां हाथ से, लेकिन देखा अपना भाई का लड़का है, खट से गन्ना पलट दिया, अपना दायां हाथ का गन्ना दिया। और अपना जब पुत्र आया तो अपना दायां हाथ का गन्ना दिया। ये सब क्रिया उनका छोटा सा उनका भाई देख रहा था। और एक दिन आकर के अचानक से बोल पड़ता है, उसी दिन रात्रि के समय बोल पड़ता है, भैया अब तक हमारा परिवार बहुत अच्छा चल रहा था, अब मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को अपना अपना चूल्हा चाटके अलग कर लेना चाहिए, अपना अपना घर अलग कर लेना चाहिए, अब एक साथ नहीं रहना चाहिए। उनका भाई कहता है इतना अच्छा हमारा परिवार चल रहा है, आज तक कोई बात नहीं हुई, मेरे हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी है या कुछ भी तुम बताओ तो। कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कोई बात नहीं, हो जाना चाहिए, बार बार कहने पर नहीं बताता, उनके कई बार कहने पर अंतिम में उनको बताना पड़ता है, भैया जब आप गन्ना बांट रहे थे दोनों के पुत्र थे, लेकिन अपना पुत्र आया तो आपने दायां हाथ से गन्ना दिया, मेरा पुत्र आया तो बायां हाथ से ऊपर का गन्ना, ऊपर के हिस्से का गन्ना दिया। जब आप एक गन्ने के लिए ऐसा कर सकते हैं तो अंदर क्या करते होंगे आप ही जानिए। एक गन्ना घर को तोड़ करके रख देता है। माँ बनने के लिए अपने बच्चे से कहीं ज्यादा, अपने बच्चे से कहीं ज्यादा अपने देरान और जिठान के बच्चों से प्यार करना सीखिए। वो बच्चे अपने माँ से जितना प्यार नहीं करती है, वो बच्चे अपने माँ के पास जितना नहीं जाता है, वो बच्चे आपके साथ रहेंगे, वो बच्चे आपके साथ जब आपकी तबीयत खराब होगा, आपकी बुढ़ापे की अवस्था आ जाएगी, तब भी यदि आपने निश्चल प्रेम किया है, निष्कपट भाव से प्रेम किया है, निष्कपट भाव से प्रेम किया है, कोई छल छद्म नहीं रखा अपने और पराए में, अपने बच्चे और अपने देरान और जिठान के बच्चे में, वो बच्चे आपके पास आएंगे और आपसे प्यार करेंगे, आपके हर वक्त आपके साथ बने रहेंगे। कितना विशाल हृदय चाहिए माँ बनने के लिए, तब कहीं माँ का दायित्व तो पूरा होता है, तब कहीं माँ का दायित्व तो पूरा होता है। एक अच्छे बच्चे को जन्म देना आपका दायित्व है, लेकिन अच्छा संस्कार देना आपका दायित्व है। आप एक कच्चा
मिट्टी का निर्माण करने वाले कुम्हार की तरह आप भी एक कुम्हार है जो बच्चे को सही रूप में ढाल सकते हैं, सही रूप में ढाल सकते हैं। बच्चे के जीवन के नक्शे, बच्चे के जीवन के विचार, बच्चे के आंतरिक परिवर्तन कर सकते हैं। जीवन कैसे बदलता है, कुछ लोग कहते हैं जीवन कैसे बदलता है, जीवन कैसे बदलेगा। लोग कहते हैं बहुत सहज है, अच्छा सा मकान बना लो जीवन बदल जाएगा, अच्छा से गाड़ी खरीद लो जीवन बदल जाएगा, घर बदल लो जीवन बदल जाएगा, मकान दुकान कपड़े लत्ते बदल दो जीवन बदल जाएगा। इससे जीवन नहीं बदलता है, जीवन बदलता है आंतरिक परिवर्तन से, विचारों का परिवर्तन। जब तक आपका विचार नहीं बदलेगा तब तक जीवन नहीं बदल सकता है। विचारों को बदलिए जीवन बदलेगा, सोच बदलो जीवन बदलेगा। विचार ही गंदा है जीवन नहीं बदल सकता है, विचार में ही कलमस है। हम गलत गलत विचारों को सुन रहे हैं, गलत गलत विचारों को सोच रहे हैं, गलत गलत चीजों को स्थान दे रहे हैं, आपस में परिवार में प्रेम हो ही नहीं सकता है। प्रेम, हाँ मैं बीच में कह रहा था प्रेम, प्रेम जब अच्छा है तो बहुत लंबी वार्ताएं होती है, प्रेम घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। अब एक वाक्य एक उत्तर, सासू माँ ने कुछ कहा, बहू ने प्रेम से एक उत्तर दे दिया, हो गया बहुत। कुछ दिन बाद ऐसी आती है कि वार्ताएं ही बंद हो गई, कुछ दिन बाद ऐसी आती है कि वार्ता बंद होते होते धीरे धीरे अपने सभी भाई का अलग अलग भोजन बनना शुरू हो गया। अब इसी क्रम में मैं कहा करता हूं, आपका घर अब घर नहीं होता जा रहा है, क्या बन रहा है, आज हर परिवार का घर रेस्टोरेंट और होटल बनता चला जा रहा है। एक परिवार में तीन भाई चार भाई है, चारों भाई है आपस में, एक भाई एक बहू और बेटा का कमरा एक भोजन अलग कमरे में चला गया, दूसरे बहू बेटे का भोजन दूसरे में, तीसरे में चौथे का चौथे में, जैसा रेस्टोरेंट में होता है ना, अलग अलग कमरों में अलग अलग कक्षों में भोजन चला जाता है, वैसे ही घर में हो रहा है। अब एक पति पत्नी अपने कमरे में, दूसरे पति पत्नी अपने कमरे में, और घर में माँ बाप बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब बहू बेटे आएंगे तो भोजन देंगे, और भोजन के लिए तरसते रह जाते हैं। ऐसी भी दशा आ रही है, आपका घर घर है, आपका घर सुंदर महल है, आपके घर मंदिर होना चाहिए, आपका घर के सारे सदस्य देवी देवता का रूप होना चाहिए, और आपस में इतना सम्मान दो, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी जिंदगी है, उसको मुस्कुरा करके जिए आप लोग। शिकायत करके जीवन को बर्बाद मत करिए, आज अवसर मिला है, आज अवसर मिला है, प्यार से बच्चों को संस्कार दीजिए, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ना झगड़ना बंद करिए। दो चार पैसों के लिए, दो चार गहनों के लिए, दो चार कपड़ों के लिए, दो चार फीट जमीन के लिए लड़ करके जीवन को नरक मत बनाइए। आपकी सुंदरता आपके सरल स्वभाव से है, आपकी सुंदरता आपके सुंदर आचरण से है। कपड़े से जीवन की सुंदरता नहीं होती है, चेहरे से जीवन की सुंदरता नहीं होती है, गहने से जीवन की सुंदरता नहीं होती है। आपकी सुंदरता है आपका सरल स्वभाव, सहज एकदम विनम्रता। आपके घर में कोई भी आ जाए, इस दुनिया से किसी भी कोने पे आ जाए, कोई व्यक्ति कोई मेहमान आया है, उनको आप प्यार से ठंडा गिलास पानी दे देते हैं और प्यार से बात कर लेते हैं, सरलता से नम्रता से उनका प्रणाम कर लेते हैं। और एक बहू है जो अकड़े अकड़े उनके सामने से गुजर जाती है, उनके पैर नहीं पड़ती, उनसे बात नहीं करती, एक बहू उनसे प्यार से बात कर लेती है, तो एक कहेंगे वो आदमी इस दुनिया के किसी भी कोने पर चला जाए, वो कहेंगे उनके यहाँ गए थे, उनकी एक बहू बहुत सुंदर है, आपके चेहरे नहीं देखे हैं वो। वो कहेगी उनके बहू बहुत सुंदर है, कैसे सुंदर है, इतना सरल और सहज और स्वभाव इतना सुंदर है, प्यार से बात करती है और सहज होकर के बात करती है, अकड़ नाम का चीज नहीं है। आपकी सुंदरता है आपकी सहजता में, आपकी सुहजता में। प्रेम मैं कह रहा था, प्रेम घटता चला गया, विश्वास टूटता चला गया, प्रेम घटता चला गया, घर फूट होता चला गया। अब क्या करना है आपको, प्रेम घट रहा है आपको लगता है ना, और यदि आप घर को बचा करके रखना चाहते हैं,
यदि आप घर को बचा करके रखना चाहते हैं, यदि आप घर की बड़ी बहू है, यदि आप घर की छोटी बहू है, यदि आप घर के पढ़े लिखे बहू है, यदि आप घर के संस्कारित बहू है, यदि आप किसी संस्कारित माता पिता से जन्मे पुत्री हैं और एक अच्छे घर की बहू है, तो आप घर को बचा करके रखने का दायित्व तो आपका होता है। कभी कभी आपकी गलती नहीं है, पर भी आप सामने से झुक जाइए और अपने से प्रणाम कर लीजिए, अपने से झुक करके बात कर लीजिए। कभी बड़ी बहू बात नहीं कर रही है, छोटी बहू का दायित्व तो बनता है, उनके पास गर्व है, पढ़ी लिखी है, शिक्षा अच्छी, शिक्षा संस्कारित है, अच्छे घर की बेटी है, तो उनको दायित्व तो बनता है कि कभी कभी अपनी गलती नहीं है पर भी झुक करके अपने से प्यार से बात कर लिया करती है, उनका घर टूटने से बच जाता है, उनका घर उजड़ने से बच जाता है। तब कहीं माँ का दायित्व तो पूरा होता है, तब कोई कह सकती है कि मैं एक माँ एक बच्चे की माँ हूँ, मैं तब कोई कह सकती है कि एक बच्चे की माँ हूँ, जो मैं अपने बच्चे से भी निस्वार्थ प्रेम करती हूँ और अपने देरान और जेठान के बच्चे से भी प्यार करती हूँ मैं। मेरे लिए सभी बच्चे बराबर है, मेरे लिए कोई बच्चे अपना और पराया नहीं है, मेरे घर के सभी बच्चे मेरे अपने हैं। कितना विशाल हृदय चाहिए माँ बनने के लिए। प्रेम यदि सुख रहा है तो प्रेम को सींचना कैसे, मैंने बताया ना, प्रेम यदि सुख रहा है तो प्रेम को सींचने का तरीका यही है कि कभी कभी अपनी गलती नहीं है पर भी अपने से झुक करके बात कर लीजिए, अपने से झुक करके प्रणाम कर लीजिए, और छोटे हो या बड़े हो या जो भी हो, अपनी गलती ना होते हुए भी अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए, आपका घर टूटने से बच जाएगा, आपका माहौल बदल, घर का माहौल बदल जाएगा, घर के नक्शे बदल जाएंगे। ये सारे कर्मों का परिणाम एक दिन आपके पास आता है। आपका बच्चा देखता है, आपका बच्चे, आपका पुत्र, आपके ही खून आपको ये सारे चीज देखता है कि मेरी माँ की गलती ना होने पर मेरी माँ ने बिना गलती के गलती झुक करके अपने से बात की है, मेरी माँ की गलती ना होने पर भी मेरी माँ ने अपने से ही पहले से बात करना शुरू की है। आपके प्रति इतना श्रद्धा से गदगद हो जाएंगे, आपके बच्चे आपसे इतना प्रेम करेंगे। और मैंने कहा ना, यदि आप अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, आप पहले से झुकते हैं, तो आपकी जो बड़ी या छोटी है, जिन्होंने गलती करती हुई भी अकड़ करके बैठे हैं, उनके बच्चे कहेंगे मेरी माँ की गलती होने पर भी उन्होंने झुका नहीं, बल्कि मेरी चाची या मेरी बड़ी मम्मी की गलती नहीं होने पर उन्होंने झुक करके बात किया, और मेरी बड़ी मम्मी अच्छी है या चाची अच्छी, आपसे प्रेम करेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ? क्रिया वही है, समय वही लगता है, शक्ति वही लगता है, लेकिन परिणाम एकदम विपरीत आता है, एकदम परिणाम विपरीत आता है और उसके नक्शे बदल जाते हैं। इसलिए जीवन में जो सींचना चाहे, बच्चों को जैसा संस्कार देना चाहे आप दे सकते हैं। बच्चों को उपहार की जरूरत नहीं, बच्चों को संस्कार की जरूरत है। बच्चे को गाड़ी मोबाइल कार ना दो, बच्चे दो दिन चार दिन छः दिन रोएंगे, और बच्चों को संस्कार ना दो तो बच्चे जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे। इसलिए संस्कार की परिभाषा चाहिए, बच्चे को संस्कारित करिए, बच्चों को अपने पालन पोषण पर विश्वास रखिए। अभी हमारे साहब जी कह रहे थे, बच्चे को कमजोर मत बनाइए आप। बच्चा पैदा होते ही उसको कमजोर बनाया जाता है, उसके गले में ताबीज, पैरों में धागा, इतना कमजोर बनाया जाता है, उनको कुपाठ पढ़ाया जाता है, आपके बच्चे गलत दिशा में चलते चले जाएंगे। इसलिए बच्चों को सही बोलना सिखाइए, सही चलना सिखाइए, बच्चे को भगवान का भक्त मत बनाइए, बच्चे को इंसान का भक्त बनाइए। कोई भगवान काम आने वाले नहीं, इंसान ही एक ऐसा भगवान है जो काम आएगा इस दुनिया में, इंसान से बढ़कर के भगवान और कुछ नहीं हो सकता। एक महत्वपूर्ण बात और कहूं मैं, यदि आप घर को अच्छा बनाना चाहते हैं, परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं, बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आप माता पिता का सम्मान करना सीखिए। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप नहीं, वो तरसते हैं, काश मेरे माता पिता मेरे साथ होते, उनकी साया मेरे साथ होती, तो आज मैं माता पिता के साथ कहीं जाता, उनके साथ बैठ करके दो चार बातें कर लेता। लेकिन जिनके माता पिता हो, माँ बाप को तिरस्कृत करते हैं,
जिनके माता पिता है वो माँ बाप को तिरस्कृत करते हैं और माँ बाप को ही दरकिनारे करते चले जाते हैं। माँ बाप एक ऐसे होते हैं जो बच्चे अपना कहा नहीं मानते हैं पर भी वो बच्चे के लिए जीते हैं। जो बच्चे अपना कहा नहीं मानते हैं, जानते हैं कि मेरे बच्चे मेरे कहा नहीं मानते हैं पर भी वो अपने बच्चे के लिए जीते हैं, एक एक पाई बच्चे के लिए इकट्ठा करते चले जाते हैं, बुढ़ापे में मेरे बच्चे का काम आएगा। मैं तो जी लिया जैसे भी जी लिया, अभी बच्चा नहीं समझ रहा है, कुछ दिन बाद समझ जाएगा। वो माँ बाप को तिरस्कृत कर रहा है, उनका माँ बाप माता पिता कह रहा है अभी बच्चा नहीं समझ रहा है, कुछ दिन बाद समझ जाएगा। वो माँ बाप का सम्मान करना मत भूलिए और माँ बाप का सम्मान करते रहिए। बुढ़ापे में माँ बाप को आपका धन नहीं चाहिए। जब जब आप घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, खेत जाते हैं या दफ्तर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, माँ बाप के चरणों में मत्था टेक लेते हैं और आते हैं पुनः मत्था टेक लेते हैं और तबीयत पूछ लेते हैं, भोजन पूछ लेते हैं। बुढ़ापे की अवस्था में माँ बाप को आपका प्यार और सम्मान चाहिए बस। तब तब उस माँ बाप को जैसे कोई डॉक्टर कोई मरीज को एक टॉनिक देता है ना, तो उनके चेहरे खुल उड़ते हैं, उनका स्वास्थ्य एकदम मस्त हो जाता है। वैसे ही यदि कोई बूढ़े माँ बाप को उनका ही पुत्र प्यार से आकर के भोजन पूछ लेता है, उनके गले में कभी हार अर्पित कर देता है, कभी उनके सामने दीप प्रज्वलित करके आरती उतार लिया करता है, कभी कभी आकर के उनको रोज भोजन दवाई पूछ लिया करता है, तो माता पिता के चेहरे में एक मुस्कान आ जाता है कि मेरे बच्चे आज भी मेरे से प्यार करते हैं, आज भी मेरे बच्चे मेरे कहा मानते हैं, आज भी मेरे बच्चे मेरा सम्मान करते हैं, आज भी मेरे बच्चे मेरे अपने हैं, जिनको मैंने जन्म दिया। धन्य ऐसे पुत्र जो मेरे कोख से जन्म लिया, अपने बच्चे को आशीर्वाद देता है। इसलिए माँ बाप को कभी वंचित मत करिए। यदि आज आप माँ बाप को सम्मान करते हैं तो कल आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे, और यदि आज आप माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं तो कल आपके बच्चे भी आपसे प्यार नहीं करेंगे। एक जगह आपस में ऐसी ही सास बहू में रोज लड़ाई, लड़ाई का अंतिम दौरान ये होता था कि अंतिम में रोते रोते रोज सासू माँ कमरे में जाती और आंसू पोंछते रहती। एक दिन उनका ही छोटा सा पोता उनके पीछे पीछे जाता है और पीछे पीछे जाता है, रोज के कृत्यों को देखता है कि रोज लड़ाइयाँ होती है लेकिन लड़ाई में सबसे ज़्यादा गलतियाँ मेरी मम्मी की होती है, जो रोज मेरी दादी माँ को लड़ाई किया करती है और अंतिम में रोते रोते मेरी दादी माँ कमरे में चले जाती है। एक दिन पीछे पीछे उनका छोटा सा पोता जाता है और अपने दादी माँ का पल्लू उठाता है, पल्लू उठा करके उनका आंसू पोंछता है और आंसू पोंछते पोंछते रोता, आंसू पोंछते पोंछते बोलता है दादी माँ तुम रो मत, दादी माँ तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्टा है, जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी शादी हो जाएगी तो मैं अपने पत्नी से कहूंगा तुम अपनी सासू माँ की कभी सेवा मत करना, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ अपने सासू माँ से रोज लड़ाई किया करती थी, आप जो आज करेंगे कल आपको भोगना पड़ेगा, आज जो आप करेंगे वही आपको मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों को सही प्यार करना सिखाइए, अपने बच्चों को माँ बाप के सामने झुकना सिखाइए और अपने ही परिवार में माँ बाप को सम्मान करना सीखिए। कम से कम इन कृत्यों को देखने के बाद आपके बच्चे निश्चित ही संस्कारी होंगे, निश्चित ही संस्कारी होंगे। आपका हर क्रियाकलाप इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके बच्चे उनको स्वीकार कर सके, आपके बच्चे उनको स्वीकार कर सके। एक जगह समूह में इकट्ठा हुए थे और समूह में इकट्ठा होने के बाद में एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा तुमने अपने मम्मी पापा को नहीं लाया? तो उन्होंने कहा नहीं मेरे मम्मी पापा को नहीं लाया हूँ। क्यों नहीं लाए? वो यहाँ नहीं रहते, दूर रहते हैं। जब बाद में पूछा गया कि तुमने अपने मम्मी पापा साथ में घर में होते हुए भी तुमने ऐसा क्यों कहा कि मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते दूर रहते, ऐसा शब्द तुमने क्यों बोला? तो कहते हैं मित्र साहब मैं क्या बताऊं, यदि मैं कहता मेरी मम्मी पापा मेरे घर पे हैं मेरे साथ रहते तो मेरे मित्र जन कहते कि चलो तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहता हूँ, और मैं अपने मम्मी पापा को मैं किसी से नहीं मिलाना चाहता हूँ।
क्यों नहीं मिलाना चाहता हूँ? क्योंकि मेरे मम्मी पापा को मम्मी पापा कहने में मुझे शर्म महसूस होता है, क्योंकि वो लोग रात और दिन ऐसी कृत्य करते हैं, ऐसी लड़ाइयाँ होती है घर में, रोज महाभारत युद्ध चलता है और आपस में एक दूसरे चीज़ों के लिए तू तू मैं करते रहते हैं। आपस पापा जी रोज शराब पिया करते हैं, मम्मी रोज इनके लिए लड़ाई हुआ करती है, और ऐसे में मैं दुनिया वाले को कैसे बताऊं कि मेरे मम्मी पापा है? अपने ही संस्कारों की वजह से, अपने ही कर्मों की वजह से आपके बच्चे ही आपको दरकिनारे कर देते हैं, आपके बच्चे आपको दरकिनारे कर देते हैं। आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका व्यक्तित्व, आपका शब्द ऐसे वजनदार होना चाहिए, आपके शब्द शैली ऐसे वजनदार होना चाहिए कि आपके बच्चे उन शब्दों को काट ना पाए, आपके बच्चे उन शब्दों को काट ना पाए, उन शब्दों को स्वीकार कर सके, उन शब्दों से प्रेम कर सके, आप जो भी कहे उनको स्वीकार करे। आपके शब्दों में वजन होना चाहिए, आपके शब्दों से व्यक्तित्व निखरना चाहिए। अगर छिछला निकलता चला गया तो हमारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अपना वैल्यू खुद को बढ़ाना है, अपना महत्व खुद को बढ़ाना है, और अपने जीवन में ऐसा गौरव स्थापित करना है कि हम कहीं भी रहे लोग हमसे प्रेम से बात कर सके, लोग हमारा सम्मान कर सके। करे या न करे वो जाने, लेकिन अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपनी वाणी वर्ताव ऐसा होना चाहिए कि सब हमसे प्यार कर सके, सब हमसे प्यार कर सके। और दूसरी बात ये कि आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम, ये महत्वपूर्ण चीज है, इनको सब लोग स्वीकार करें। और जीवन में बिना प्रेम के कोई सफलता नहीं मिल सकता है, तब कहीं बच्चों को अच्छा संस्कार मिलेगा। इसलिए बच्चों को संस्कार देने के लिए विशाल हृदय चाहिए, विशाल हृदय। माँ का हृदय बहुत विशाल होता है, माँ ही जानती है कि बच्चे का कैसे पालन पोषण करना है। और वास्तव में अच्छी माँ वो होती है जो अपने बच्चों को उनके ही अपने ही पैरों पर खड़ा होना सिखाता है, अपने ही पैरों पर अपने जीवन के नैया संभालने का तरीका सिखाता है। वो माँ माँ होती है जो परिवार को संजो करके रखती है, वो मामा होती है जो हर बूढ़े बुजुर्गों का आदर और सम्मान करती है, और सब बच्चों को एक साथ मिलकर के घर को आनंद से रखती है। सच में वह घर के बच्चे निश्चित ही संस्कारवान होते हैं। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।